अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अच्छा, सेकंड ईयर बायोलॉजी में आज हम लोगों ने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी की बेसिक्स को समझने के लिए। अच्छा, इस टॉपिक में आपने पहले पढ़ना क्या है, एक जहन के अंदर ना एक आप लोग आउटलाइन बना लें। मैं आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक में ना बच्चे हमने पढ़ना है कि जानदार जो है उसकी डेवलपमेंट को कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट बच्चे तब स्टार्ट होती है जब जाइगोट बन जाता है, ठीक है ना। जाइगोट बन गया, अब जाइगोट डिवाइड होता है। आपको पता है जाइगोट की डिवीजन को क्या कहते हैं, क्लीवेज। जब जाइगोट डिवाइड होना शुरू कर दे, क्लीवेज उसको कहते हैं। और क्लीवेज के नतीजे में जो बच्चे सेल बनते हैं वो सारे सिमिलर सेल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे जहन में एक सवाल आता है कि स्टार्ट में जितने भी सेल्स बनते हैं वो सेम होते हैं, जबकि हमारी बॉडी के सारे सेल्स तो सेम नहीं ना। रेड ब्लड सेल और तरह का है, बोन सेल और तरह का है, मसल सेल और तरह का है। हमारी बॉडी में कम से कम 300 के करीब सेल्स की टाइप्स हैं। तो हमारे जहन में एक बेसिक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये सेल डिफरेंट कैसे होते हैं। अगर हमारी लॉजिक सही है कि सेल सेम होते हैं, हम कहते हैं ना कि बच्चे हर सेल में सेम क्रोमोसोम होते हैं, कहते हैं ना कि एवरी सेल कंटेन सेम क्रोमोसोम, देन व्हाई डू सेल डिफरेंशिएट, हाउ सेल डिफरेंशिएट। आज आपने यही सीखना है कि सेल जो कि सेम क्रोमोसोम रखते हैं आखिर कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। भाई, इन्फॉर्मेशन तो उन सब सेल्स में सेम है। सो बच्चों देखो, डेवलपमेंट ये शुरू होता है कि जाइगोट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू होती है जाइगोट से। सो जाइगोट जो है इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है किसी जानदार की फॉर डेवलपमेंट। एंड जाइगोट अंडरगो क्लीवेज। जाइगोट बच्चों क्या करता है, फिर क्लीवेज स्टार्ट करता है। जाइगोट की डिवीजन को क्लीवेज बोलते हैं। जब बच्चों मसलन ये आपके पास जाइगोट है 2N एक सेल, ये डिवाइड करना शुरू हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने दो सेल बनाए, अब इस दो सेल्स से चार सेल बन गए। अब चार सेल जो है ये डिवाइड होते होते आठ सेल्स बन गए। इस तरीके से इस चीज़ को आप बोलते हो क्लीवेज। क्या बोलते हो? अच्छा, क्लीवेज से जितने भी सेल बनते हैं, जो क्रोमोसोम इस सेल में है इन आठों के आठों में वही सेल क्रोमोसोम है, सेम जीन्स है। तो जाइगोट अंडरगो क्लीवेज एंड ब्लास्टोमर्स आर फॉर्म्ड। ये जो सेल क्लीवेज के नतीजे में बनते हैं दे आर ब्लास्टोमर्स। ऑल ब्लास्टोमर्स हैव सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सब में सेम इंफॉर्मेशन है। बट लेटर स्टेजेस सेल डिफरेंशिएट, लेकिन बाद के अंदर यही सेल जो है, मिसाल के तौर पे जब एनिमल की बॉडी बनेगी, जब एम्ब्रियो बनेगा, ऐसे एम्ब्रियो के अंदर कुछ सेल जो है वो उसकी आईज बनाएंगे, कुछ उसका ब्रेन बनाएंगे, कुछ रीढ़ की हड्डी बनाएंगे, कुछ लेग्स बनाएंगे। तो सेल डिफरेंशिएट मतलब सेल बिकम डिफरेंट टाइप्स। एक अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज्ड होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएट होता है। हाउ, कैसे? सो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सम जीन्स, मैं आपको तरीका बताता हूँ। बच्चे हर सेल में, मिसाल के तौर पे एक सेल ने बोन बनानी है, सेल इज कमिटेड टू मेक बोन। अच्छा, उस सेल के अंदर अब सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है, ऑल टू ऑल इंफॉर्मेशन। होगा ये कि जो इंफॉर्मेशन बोन बनाने वाली है ना, वो वाले जीन्स काम करेंगे, बाकी जीन्स स्विच ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, किसी सेल ने मसल का सेल बनाना है, उसमें मसल बनाने वाले जो मसल के सेल के अंदर जो चीज़ें होती है वो वाली चीज़ें बनाने वाले जीन्स काम करेंगे, बाकी जीन्स स्विच ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे होती है बच्चों डिफरेंशिएशन, कि जिस सेल ने डिफरेंशिएट होना होता है उसमें कुछ जीन्स को एक्टिव रखा जाता है जिनकी ज़रूरत होती है, बाकी जीन्स स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं। यू डेवलपमेंट होती है, यू सेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वरना तो सारे सेल्स एक ही तरह के पैदा होते रहे। सो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सम जीन्स रिमेन एक्टिव, अदर स्विच ऑफ। तो यहीं से जब क्लीवेज हो जाती होती है ना, क्लीवेज से सेल्स बन जाते हैं, क्लीवेज से सारे सिमिलर सेल्स बनते हैं। लाइक इंसान की जब क्लीवेज होती है तो एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है जिसमें सारे सेल्स बच्चे सिमिलर होते हैं। फिर क्या होता है,
फिर ये होता है कि हर सेल्स को उसकी जॉब दे दी जाती है कि एक सेल ने अगर नर्वस सिस्टम बनाना है उसमें नर्व सिस्टम वाले जीन्स काम करेंगे, बाकी स्विच ऑफ। अगर किसी सेल ने वर्टिब्रल कॉलम बनाना है उसमें वर्टिब्रल कॉलम वाले जीन काम करेंगे। सो यू सेल्स को जगह दे दी जाती है कि चल भाई तू ये कर, चल तू ये कर, तू नर्वस सिस्टम बना, तू रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना, तुम जाके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाओ, तुम जाके ब्रेन बनाओ। यू सेल्स की पोजीशंस वाजे कर दी जाती हैं। लेकिन अगेन वही सवाल कि जीन्स कैसे स्विच ऑफ किए जाते हैं, सेल्स को कैसे पता कि मैंने ब्रेन बनाना है, मैंने नर्वस सिस्टम बनाना है। सो इसका आंसर हमें मिलता है 1892 में हैंस डाइस्ट्रिच के एक्सपेरिमेंट से। 1892 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम हैंस डाइस्ट्रिच, उसने कुछ तजर्बात किए। अच्छा बच्चों, इस टॉपिक को आप हेडिंग दे सकते हो इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उसने बताई साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की इम्पॉर्टेंस डेवलपमेंट में, कि डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है। सो बच्चों देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइस्ट्रिच का पहला एक्सपेरिमेंट, उसने पता क्या किया, सी अर्चन का एग लिया। आपको पता है सी अर्चन क्या होता है, सी अर्चन एक समुद्री जानदार, उसका एग लिया। किस स्टेज पे? टू सेल स्टेज पे, यानी कि जाइगोट ही एक्चुअली लिया जब दो ब्लास्टोमर्स बन चुके थे, जब क्लीवेज के नतीजे में दो सेल्स बन चुके थे। उस वक्त उसने दोनों को ना एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, मसलन ये दो सेल हैं उनको दरमियान से ना किसी तरीके से बांध दिया। अब ये एक तरफ न्यूक्लियस चला गया, ये दूसरी तरफ, ये दरमियान में उसने बांध दिया, नॉट लगा दी। अब क्या हुआ, इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है। सो जारी बात है, न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा, नए सेल्स पैदा होंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फाइनली इस साइड पे भी एक एम्ब्रियो बन गया, दूसरी साइड पे भी। सो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि क्लीवेज के नतीजे में जो सेल्स बनते हैं उन सेल में बच्चों सेम क्रोमोसोम होते हैं। अगर सेम क्रोमोसोम ना होते तो दोनों सेल या तो आधा आधा एम्ब्रियो बनाते या बनाते ही ना, सेम इन्फॉर्मेशन होती है। सेकंड एक्सपेरिमेंट डाइस्ट्रिच का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने सी अर्चन का जाइगोट लिया, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग लिया, उसको दरमियान से बांध दिया। अब न्यूक्लियस एक तरफ आ गया, साइटोप्लाज्म एक तरफ चला गया, नज़र आ रहा है ना, न्यूक्लियस ये है और ये साइटोप्लाज्म है, इस ये न्यूक्लियस है एक ही सेल में। अब ये जो साइड है, इस साइड को आप बोलते हो न्यूक्लिएटेड साइड, और ये जो दूसरी साइड है इसको बोलते हैं एन्यूक्लिएटेड, एन्यूक्लिएटेड यानी विदाउट न्यूक्लियस। ये साइड, ये न्यूक्लियस वाली साइड, ये विदाउट न्यूक्लियस। अच्छा क्या हुआ कि जिस साइड पर न्यूक्लियस है उस साइड पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, सेल्स बनने लग गए क्लीवेज के नतीजे में, क्योंकि सेल बड़े नहीं होते, सिर्फ नए सेल बनते होते हैं। तो सेल अब बनते जा रहे हैं लेकिन पहले से छोटे होते जा रहे हैं। बच्चों क्लीवेज में यही होता है ना कि ये एक सेल है, जब ये पहली बारी डिवाइड होगा दो छोटे सेल बनाएगा, दूसरी बारी डिवाइड होगा चार उससे भी छोटे। यू सेल बड़े नहीं होते, अब छोटे छोटे नए न्यूक्लियस बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। अब 16 सेल्स बन गए एक साइड पे, 16 वो बहुत छोटे थे। अब पता क्या हुआ, एक न्यूक्लियस जो है ना वो क्रॉस करके इस बैरियर को दूसरी तरफ चला गया। एक्चुअली ये बैरियर इसने लगाया क्या था, ये इसने इंसानी जो हेयर है ना, हेयर का बारीक तरीन रेशा लिया, उस रेशे की मदद से सेल को बांध दिया। अब बीच में हल्की सी स्पेस रह गई थी, यानी मुकम्मल सेल कस के नहीं था बांधा। अब जब 16 सेल बने, एक सेल यानी कि एक न्यूक्लियस उधर भी चला गया, ये मैंने एक दिखाया हुआ है, पहले उधर नहीं था। अब जाहिर बात है उधर भी न्यूक्लियस आ गया, इधर भी, तो दूसरी तरफ भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। तो नेक्स्ट डायग्राम देखें कि ये जो साइड है इससे भी एम्ब्रियो बन गया, फिर दूसरी साइड से भी एम्ब्रियो बन गया। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि 16 सेल्स भी जब बन जाए किसी जानदार के, उनमें से भी आप एक सेल को हटा लेना, उस सेल से आप एम्ब्रियो बना सकते हैं। बच्चे समझ आई कि जब 16 सेल बन जाते हैं किसी जानदार के, 16 क्लीवेज के नतीजे में 16 ब्लास्टोमर्स, किसी एक सेल में भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है और वो एक सेल नया जानदार बनाने की एबिलिटी रखता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आ जाए बच्चे, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या है, अब उसने अगेन सेल्स को टाई किया, बांधा। अब उसने कैसे बांधा, दोनों साइडों पे दो न्यूक्लियस थे,
ज़ाहरी बात है ये एक्सपेरिमेंट इस जैसा ही है, तो अब दोनों साइडों पे दो एम्ब्रियो बन गए। यहाँ पे उसने ये नतीजा निकाला कि एट 16 सेल स्टेज, जो मैं यहाँ पे बता के हटाऊँ, एवरी सेल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो। 16 सेल स्टेज पे भी हर सेल के पास एम्ब्रियो बनाने की पूरी एबिलिटी होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। अब उसने अगेन क्या किया, सी अर्चन का एग यानी कि जाइगोट लिया, जाइगोट को बांध दिया सेंटर से, एक तरफ न्यूक्लियस था, एक तरफ न्यूक्लियस नहीं था, एक तरफ बच्चे न्यूक्लियस है, दूसरी तरफ नहीं है। जो न्यूक्लियस वाली साइड है वो न्यूक्लिएटेड साइड है, जो न्यूक्लियस के बगैर है वो ए न्यूक्लिएटेड साइड है। न्यूक्लियस इधर है, उधर नहीं है, लेकिन उधर एक और चीज़ है, ये मैंने जो रेड कलर की बनाई है, दैट इज ग्रे क्रिसेंट। ये साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है जिसका नाम है ग्रे क्रिसेंट। अब हुआ क्या, एक साइड पे न्यूक्लियस है, एक साइड पे बच्चे ग्रे क्रिसेंट है। जाहरी बात है जिस साइड पे न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना शुरू करेगा, बिल्कुल ऐसे ही 16 सेल बनाएंगे। बात समझ रहे हो ना, 16 सेल बन गए, 16 सेल्स में से फिर एक सेल उधर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे गया है, एक सेल दूसरी तरफ उस बैरियर को, उस पतले बैरियर को क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गया। अब जारी बात है, इधर भी न्यूक्लियस है, उधर पहले नहीं था, बाद में आ गया। गौर करने वाली बात पता क्या है, दोनों साइडों पे एम्ब्रियो बन गए जैसे यहाँ पे बने थे, लेकिन जो न्यूक्लियस वाली साइड का एम्ब्रियो है ना वो एबनॉर्मल है। बच्चे न्यूक्लियस वाली साइड का एम्ब्रियो एबनॉर्मल बना, और जो ग्रे क्रिसेंट वाली साइड थी, पहले वहाँ न्यूक्लियस नहीं था, बाद में आ गया, वो साइड नॉर्मल एम्ब्रियो बनी है। तो हमें क्या पता चला, इस चौथे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, ग्रे क्रिसेंट इज आल्सो नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। बच्चे यही हमने कहा था, दो चीज़ें ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, न्यूक्लियस भी एंड साइटोप्लाज्म भी। हमने न्यूक्लियस तो इन एक्सपेरिमेंट में देख लिया, अब यहाँ से हमें पता चला कि ग्रे क्रिसेंट जो कि एक्चुअली साइटोप्लाज्म ही है वो भी ज़रूरी है। अच्छा, ग्रे क्रिसेंट क्या है, ग्रे क्रिसेंट पिगमेंट फ्री एरिया, इस एरिया में पिगमेंट नहीं होते, ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का पिगमेंट फ्री एरिया है, अपीयर एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बच्चे जब एग की फर्टिलाइजेशन होती है ना, लाइक ये एग है, यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुई यानी यहाँ से स्पर्म एग एंटर हुआ, तो ग्रे क्रिसेंट का एरिया दूसरी साइड पे होता है। ग्रे क्रिसेंट हमेशा स्पर्म एंट्री के अपोजिट साइड पे होता है, और इस एरिया के अंदर ग्रे क्रिसेंट में क्या होता है, ग्रे क्रिसेंट के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म, बिल्कुल आप साइटोप्लाज्म को फजूल नहीं कह सकते कि साइटोप्लाज्म में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, साइटोप्लाज्म में भी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कौन सी, मैं आपको ये भी समझाता हूँ, इंजाइम की सूरत में होती है। अच्छा, इस डाइस्ट्रिच के तमाम एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है ऑल सेल्स हैव सेम इन्फॉर्मेशन एंड ग्रे क्रिसेंट इज इम्पॉर्टेंट, ग्रे क्रिसेंट भी ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, साइटोप्लाज्म का भी रोल होता है डेवलपमेंट में, पता क्या रोल मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चों, जब एक जाइगोट है उसमें साइटोप्लाज्म भी है, जब क्लीवेज होती है ना तो हर सेल में थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म चला जाता है, क्लीवेज के नतीजे में जो सेल्स बनते हैं हर सेल में थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म चला जाता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है हर सेल में थोड़ी बहुत चली गई, अब किसी सेल में कोई इन्फॉर्मेशन गई है, मतलब किसी सेल में नर्व बनाने वाली इन्फॉर्मेशन गई है, किसी में नर्वस सिस्टम, किसी में एंडोक्राइन सिस्टम, किसी में कुछ, किसी में कुछ। सो ऐसा ही एक एरिया होता है ग्रे क्रिसेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जिस एरिया में ग्रे क्रिसेंट होता है वहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। ये जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट डाइस्ट्रिच ने किए थे ना, इनमें ग्रे क्रिसेंट सेंटर में था, इसलिए कोई इशू नहीं था, हुआ ग्रे क्रिसेंट सेंटर में है। सो जब ग्रे क्रिसेंट सेंटर में था, डेवलपमेंट फिर दोनों साइडों पर ठीक होनी है। आखिरी जो हमारा मतलब क्वेश्चन जहन में आते हैं, वो दो क्वेश्चन जहन में आते हैं कि हाउ सेल डिफरेंशिएट, यानी सेल्स कैसे डिफरेंशिएट हुए। दो वजह है, एक साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ड्यूरिंग क्लीवेज,
क्लीवेज के दौरान जो साइटोप्लाज्म भी सेग्रीगेट होता है, जो मतलब सेल्स में जाता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ होती है बच्चे, होते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, यू नो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट मतलब फैसला करने वाले, डिसीजन लेने वाले। साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सेल्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। असल इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में ही है। साइटोप्लाज्म में वो चीज़ें हैं जो न्यूक्लियस के कुछ जीन्स को स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकती है, जो कि डेवलपमेंट के लिए होना होता है, जो कि सेल्स के डिफरेंशिएट होने के लिए होना होता है। इसलिए साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन से सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट साइटोप्लाज्म जाता है, फिर वो सेल उस हिसाब से उनमें जीन्स स्विच ऑफ किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे इंटरेक्शन विद नेबरिंग सेल। जब क्लीवेज में सेल बनते हैं ना, तो नेबरिंग सेल बड़े ज़रूरी होते हैं। मसलन ये क्लीवेज हुई, यहाँ पे 16 सेल्स बन गए, तो ये डिफरेंट तरह के क्लीवेज के नतीजे में सेल्स बन गए। अब मिसाल के तौर पे आप फर्ज कर लीजिए कि इस सेल ने अगर हेड बनाना हो जानदार का हेड, तो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि ये वाला सेल उसकी टेल बनाए, फिर टेल वाला सेल बिल्कुल अपोजिट साइड पे होगा। समझ रहे हैं ना कि जो नेबरिंग सेल होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि एक सेल ने हेड बनाना है, फिर उससे नीचे वाला नेक बनाएगा, लेग नहीं बनाएगा, वरना तो डेवलपमेंट सही होगी नहीं। सो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने ये सीखा कि अर्ली स्टेजेस में सेल्स सेम होते हैं, बाद में डिफरेंशिएट इसलिए होते हैं क्योंकि सेल्स में कुछ जीन्स स्विच ऑफ रखे जाते हैं और कुछ स्विच ऑन रखे जाते हैं, और वो कैसे किए जाते हैं, उसके लिए साइटोप्लाज्म की सेग्रीगेशन ज़रूरी है, ग्रे क्रिस्टल ज़रूरी है, और सेल्स का आपस में इंटरेक्शन यानी नेबरिंग सेल्स का इंटरेक्शन ज़रूरी होता है। ये था बच्चों आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।